जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल सभा अब तक तेरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल कि लब आजाद है तेरे। मैं अभिसार शर्मा। क्या रेल मंत्री पीयूष गोयल अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं? क्या वक्त नहीं आया गया है कि उन्हें कटघरे में रखा जाए, उनकी नाकामी की वजह से उनसे सवाल किए जाएं? आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि श्रमिक ट्रेनें जो गरीबों के लिए शुरू की गई हैं, वो अपने घर एक या दो दिन में पहुँचने के बजाय 5 दिन और 6 दिनों में पहुँच रहे हैं, मगर रेल मंत्रालय उसे सिरे से खारिज कर रहा है, इस समस्या को मानने को राजी नहीं है। एक ऐसे मौके पर जब पीयूष गोयल को गरीबों का दर्द समझना चाहिए, कहीं पर वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से लड़ाई कर रहे हैं, कहीं पर वो केरल के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन के साथ लड़ाई कर रहे हैं, मगर अपना जो बुनियादी काम है उसे बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि कोई भी ट्रेन अपने गंतव्य तक 2 दिन से ज़्यादा वक्त नहीं ले रही है। आपको याद है भास्कर की वो खबर जिसमें दावा किया गया था कि 9 दिन लगे एक ट्रेन को सीवान पहुंचने में, यानी कि सूरत को वो शुरू हुई 16 को और पहुंची 25 को। फिर आपके सामने रेल मंत्रालय का ये बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि जो खबर है वो सरासर गलत है, मिसलीडिंग है, भ्रामक है और सिर्फ 2 दिन लगे। आपके सामने ये है एक टिकट का पर्चा। साफ तौर पर आप इसमें देख रहे हैं 22 तारीख है। जानते हैं टिकट किसकी है? ये टिकट है इरफान अंसारी की। इरफान अंसारी और उनके परिवार का वीडियो मैंने देखा था ट्विटर पर, और ये वीडियो पोस्ट किया था बिहार की एक विधायक ने जो आपके स्क्रीन्स पर है इस वक्त। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें इरफान ये बता रहे हैं कि किस तरह से बदतर हालात में उनका परिवार है इस ट्रेन में, उन्हें खाने को तक नहीं मिल रहा है। क्या कह रहे हैं वो सुनिए। सर, हम लोग सूरत से आ रहे हैं सर, तो ट्रेन सिवान का टिकट कटाए थे सर, तो मतलब रूट चेंज करके आया ट्रेन, वो झारखंड होते हुए आया, तो रांची स्टेशन पे हम लोग को बोले प्रशासन की उतार दो सर, हम लोग को उतारा नहीं गया, और अभी ट्रेन सिवान बोल रहे हैं सिवान पे ही उतरेंगे हम लोग, ऐसा बोल रहे थे सर। हम लोग बहुत मजबूर हैं सर, इसलिए हम लोग को कुछ हेल्प चाहिए सर, हम लोग को रांची में उतार दीजिए। इस ट्वीट में इरफान का जो फ़ोन नंबर दिया गया था, मैंने इरफान से बात की और इरफान के मुंह से मैंने सुना दरअसल वो किस समस्या का सामना कर रहे हैं, सुनिए। सूरत को 22 को जब आपकी ट्रेन निकली तो वो कहाँ कहाँ से होकर आई? ये सर उड़ीसा होते ही आई, उड़ीसा छत्तीसगढ़ मतलब ट्रेन घूमते घूमते आई सर, फिर लास्ट झारखंड पहुंची रांची तक। फिर हम लोग तो गोड्डा जिला आने वाले थे झारखंड, फिर हम लोग को उतारा नहीं गया, मतलब बोले कि हम लोग बोले कि प्रशासन को सर उतार दीजिए सर, हम लोग यहाँ से नजदीक पड़ेगा सर, 4 दिन से खाए पिए नहीं सर, हम लोग भूखे हैं सर, हम लोग को उतारा नहीं गया सर। तो ये बताइए मुझे, 4 दिन तक आप लोगों ने खाया पिया नहीं ट्रेन में, आपको के ट्रेन वालों ने खाना वाना नहीं दिया कहीं कुछ? सर एक टाइम का खाना दिया बस सर, उसमें 4 दिन पानी पी के रह गए, कुछ ना कुछ हम लोग लेके गए तो वो खा पी के रह गए। इरफान भाई, आपके साथ बच्चे भी थे क्या? जी बच्चे थे सर, 3 बच्चे थे। 3 बच्चे थे आपके ग्रुप में? वो मेरे चाचा चाची है, जो लेडीज और एक जेंट्स है ना, वो चाचा चाची है, उनके 2-3 बच्चे हैं। अच्छा, तो वो बच्चे भी लगातार भूखे रहे इस सफर में? जी, सब भूखे रहे। अच्छा, मगर रेल मंत्रालय तो कह रहा है 2 दिन से ज्यादा कोई रेल यात्रा में लगे नहीं? 2 दिन नहीं लगे सर, 4 दिन, पूरे 4 दिन लगे। अब ये एक और शख्स है, इनका नाम है संतोष सिंह, इन्होंने ट्वीट किया है, सर श्रमिक स्पेशल फ्रॉम सूरत टू सीवान डिपार्टेड ऑन 22nd एट 5 इन द मॉर्निंग, टिल नाउ दिस ट्रेन हैज नॉट अराइव्ड एट सीवान, नाउ दिस ट्रेन हैज डिपार्टेड फ्रॉम गाजीपुर यूपी, नो फूड नो वाटर हैज बीन प्रोवाइडेड। इन्होंने 3 टिकट्स का जिक्र यहां पर किया है जो मैं इस वक्त आपको आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। संतोष सिंह ने अपने ट्वीट में किसी किशोर शर्मा का जिक्र किया। मैंने किशोर शर्मा से बात की दोस्तों, क्या कहा किशोर शर्मा ने आप खुद सुनिए, आपको सुनकर सिहरन पैदा हो जाएगी।
किशोर जी, मेरा नाम अभिसार शर्मा है, मैं एक पत्रकार हूँ। मुझे ट्विटर के जरिए पता चला कि आप लोगों को बहुत तकलीफ हुई सूरत से सिवान आने में। हाँ सर, बहुत तकलीफ हुई हम लोग को। क्या हुआ कि भुसावल तो 12 घंटे में भुसावल हमको लाया था। हाँ, उसके बाद वहाँ से सीधे नागपुर लेके चल गया, नागपुर से उधर क्या नाम है उड़ीसा लेके चला गया, उड़ीसा से वो झारखंड रांची होते हुए सर इधर लाया, फिर ऊपी में ले गया, उधर घुमा के बिहार में ला के ऊपी लेके चला गया। अच्छा। उसके बाद से बनारस लेके चला, बनारस से उसको ले जाने के पलांता लखनऊ, उसके बाद से बेंगलोर। तो हम लोग हंगामा किए वहाँ लखनऊ से बनारस में, तो वहाँ से हम लोग फिर मतलब रिटर्न करके इधर मऊ होते हुए इधर बलिया होते हुए लाने का था, बलिया बोलता हूँ क्या नाम है इसका, लारो सब इधर करके लाने का था, तो इधर लेके चला गया बलिया होते हुए छपरा। किशोर जी ये बताइए, आप निकले कब थे, निकले कब थे आप? 21 तारीख को निकला था 9 बजे रात। अच्छा, और आप पहुँचे कब? पहुँचा हूँ 24 तारीख को, 25 तारीख को पहुँचा हूँ सर दोपहर। 25 को दोपहर, यानी कि 5 दिन लग गए आपको कम से कम। हाँ सर, 5 दिन तो लग गए। और ये बताइए, रास्ते में आपको कितनी बार खाना खाने को मिला? सर खाना कहाँ मिला, कुछ नहीं मिला। 3 बजे भोर में नागपुर में खाली वो पानी खिचड़ी मिला था, और रांची में 200 पूरी और चावल मिला, 200 पूरी और सब्जी मिला था सर। तो रास्ते में भारतीय रेल ने आपकी बिल्कुल भी कुछ परवाह नहीं की, कोई सेवा नहीं? कुछ नहीं, नीचे पुलिस वाला उतरने नहीं देता था, और सर नीचे उतरने के बाद पुलिस वाला डंडा मारता था, और यहाँ पे तो सर गाली दे रहा था। कौन गाली दे रहा था आपको? पुलिस वाला गाली दे रहा था सर, इधर वो जो बनारस से गाड़ी इधर आई ना, जब बलिया में घुसी ना इधर छपरा जाने के लिए, तो इधर रास्ते में पुलिस वाला गाली दे रहा है। और किशोर जी ये बताइए, इस दौरान कोई भी भारतीय रेल का कोई अधिकारी नहीं मिलने आया आप लोगों से, क्योंकि आप लोग भूखे थे? बनारस में सर हम बोले थे कि 4 दिन से हम लोग भूखे हैं, आप लोग लखनऊ लेके जा रहे हैं, तुम खाना तो दीजिए। बोलते हैं कुछ व्यवस्था यहाँ पे नहीं है बनारस में, ही जान ली। और उधर से उड़ीसा में बच्चे के लिए तो बिस्किट यहाँ पे मतलब सर एक एक दिया था खाली बच्चे के लिए, दूसरे किसी के लिए पानी का भी व्यवस्था नहीं था, कुछ व्यवस्था नहीं था सर। तो 4-5 दिन बच्चों ने क्या खाया, कितने बच्चे थे आपके साथ आसपास? नहीं सर, हमारे टीम में बच्चे तो थे, लेकिन क्या करेंगे, जो आप मतलब बिस्किट वगैरह सब लाया था खिला रहा था सर, दूसरा क्या करेंगे। पानी के लिए सर उतरते थे, इतना तराशते थे सर, मर गए हम लोग, तो भगवान कृपा से बच गए, और क्या है, खाने का कुछ नहीं है, पानी नहीं मिल रहा था, उस जब जंगल में सब घुमा रहा था उधर झारखंड में उड़ीसा में। तो देखा आपने, ना खाने को मिला और बद से बदतर हालात। मैं जानता हूं पीयूष गोयल जी कि आप विज्ञान में कमजोर हैं, क्योंकि बकौल पीयूष गोयल उन्होंने एक बार कहा था कि दरअसल आइंस्टाइन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी, न्यूटन ने नहीं की। वाकई पीयूष गोयल जी के इस बयान को सुनने के बाद न्यूटन अपने कब्र में लौट रहे होंगे। उन्होंने उस वक्त क्या कहा था, सुनिए आप। एंड टुगेदर वी कैन अचीव दैट 1 trillion टारगेट इन 5 years। डोंट गेट इनटू द कैलकुलेशंस दैट यू सी ऑन टेलीविजन, ओ इफ यू आर लुकिंग एट अ 5 trillion इकोनॉमी, country will have to grow at 12%, today it's growing at 6-7%. Don't get into those maths. Those maths have never helped Einstein discover gravity. Those maths have never helped Einstein discover gravity. If he had only gone by structured formulae and what was past knowledge, I don't think there would have been any innovation in this world. तो जैसे मैंने कहा ना, मैं जानता हूं कि आप विज्ञान में कमजोर थे, मगर मैं नहीं जानता था कि आप मैथ्स में भी कमजोर हैं, क्योंकि आपके रेलवे विभाग के मुताबिक 2 दिन लगे, ठीक है, मगर ये लोग कब निकले, 22 की सुबह, 22 पूरा का पूरा 22, 23 पूरा का पूरा 23, 24 3 दिन तो ये हो गए, और 25 कम से कम 3.5 दिन। और सबसे दुख की बात, जैसे कि किशोर और इरफान दोनों बता रहे हैं, उन्हें खाने तक को नहीं पूछा गया, बच्चे बिलख रहे थे। दोस्तों ये वीडियो मुझे मिला है साहिल मेंगनानी, जो एक पत्रकार हैं, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से। देखिए, गरीबों ने ट्रेन को रुकवा कर, या शायद ट्रेन रुकी होगी कहीं पर, वहां पर उन्होंने देखा खेत में कुछ भुट्टे हैं, उन्होंने कुछ फूल पत्तियां जो हैं वो जलाई और भुट्टे को उसमें सेका। देखिए, शेर भाई खाएगा पूरा,
भूख की शिद्दत में साहिल के ही इंस्टाग्राम से मुझे ये भी वीडियो मिला कि ये जो श्रमिक जा रहे थे, गरीब मजदूर जा रहे थे, जो टॉयलेट्स तक थे वहां तक पानी नहीं था। बद से बदतर हालात में ये जीने को मजबूर हैं और हमारे रेल मंत्री को लगता है कोई समस्या ही नहीं है। 60 दिन हो गए, हम लोग 60 घंटे हो गए दिल्ली से निकले हुए, कब पहुंचेंगे हम लोग? 24 घंटे का रास्ता सर, आप बताइए कितना टाइम लगता है क्या? एक मिनट रुक जाए सर, इससे पहले भी जब गए गार्ड के पास, गए स्टेशन मास्टर के पास, गए तब पीछे से दो स्टेशन पे तभी गाड़ी खुली, फिर यहाँ जब आए तब बोल रहे हैं कि गाड़ी खुलने वाली है। ऐसे तुम आते तो थोड़ी खुलेगी, तुम नहीं भी आओगे तो खुलेगी सर? नहीं खुल रही है, हर स्टेशन पे गाड़ी खड़ी, हर स्टेशन का यही काम है, हर जगह पे यही करना पड़ेगा। गार्ड से बात कर रहे थे, स्टेशन मास्टर से बात कर रहे थे, खाना मिलता आप लोग खाते हो? हम लोग को खाना कौन देता है? पहुंच गए जगह पे, हम लोग सर यही मर रहे हैं। कब खाएंगे मरने के बाद? 55 घंटे से गाड़ी चल रही है सर, सिर्फ नहीं ऐसे बस। अब बताइए सर, रेल मंत्री पीयूष गोयल यहां नहीं रुक रहे। जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत मैंने आपको बताया, ये उद्धव ठाकरे से लड़ाई मोल रहे हैं, ये केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन से लड़ाई लड़ रहे हैं, वो केरल जो इस वक्त एक मॉडल बन गया है पूरे देश के लिए। जी हां, क्या आप जानते हैं विवाद क्या है? बगैर केरल को बताए पीयूष गोयल जी ने एक ट्रेन रवाना करने की पेशकश की फ्रॉम मुंबई टू केरला। इस मुद्दे पर केरल ने अपनी आपत्ति जतलाई। केरल क्या कहना चाह रहा था आपके स्क्रीन पर? केरल यह कहना चाह रहा था कि जो भी पैसेंजर्स आ रहे हैं वो एक वेब पोर्टल में खुद को रजिस्टर करें अपनी यात्रा से पहले, नंबर एक, ताकि केरल सरकार अधिकारियों को उनके घर भेज सके कि उनके घर में क्वारंटीन की सुविधा मौजूद उपलब्ध है या नहीं है, और अगर उनके पास क्वारंटीन की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो उन्हें संस्थागत जरूरी क्वारंटीन मुहैया कराया जाए। केरल की दोस्तों सिर्फ ये मांग थी। और क्या आप जानते हैं इस मुद्दे पर पीयूष गोयल ने बवाल खड़ा कर दिया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने क्या कहा, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। पीयूष गोयल ने कहा, केरल के मुख्यमंत्री का यह तर्क गुमराह करने वाला है, ये महज बहाने हैं अपने राज्य में रेल न बुलाने के। शायद मुख्यमंत्री को मलयालियों की परवाह नहीं है। यानी कि सीधे तौर पर यहां पर हमला बोल दिया किसी और ने नहीं बल्कि पीयूष गोयल ने केरल के ऊपर, जबकि केरल सिर्फ ये मांग कर रहा था कि जो भी लोग आ रहे हैं कम से कम हम उनके डिटेल्स तो आप हमें बता दें। आप और हम सब जानते हैं, हमारे पास ढेरों मिसालें हैं, जो गरीब श्रमिक हैं वो भूखे इन ट्रेन्स में सफर कर रहे हैं, मगर भारतीय रेल इस समस्या को स्वीकार करने से ही इनकार कर रही है, स्वीकार ही नहीं रही है। तो ये क्या बतलाता है रेल मंत्रालय के बारे में, और ये क्या बतलाता है पीयूष गोयल के बारे में? और मैं ये क्यों ना कहूं कि इस मुद्दे पर पीयूष गोयल भारतीय इतिहास के निकम्मे रेल मंत्रियों में से है और उन्हें कटघरे में रखा जाना चाहिए, उन्हें जवाबदेह बनाना चाहिए। दुख की बात यह है कि इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं गरीब की आवाज कोई नहीं सुन रहा है, मुख्यधारा की मीडिया में उनकी बात तक नहीं हो रही है। क्या आप जानते हैं 2 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट जो है नींद से जागा है। एक तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट सरकार को जवाबदेह बनाने से क्यों कतराता है, केंद्र सरकार को जवाबदेह बनाने से क्यों कतराता है। मैं आपको बताता हूं कि जाने माने जो कानूनविद हैं और पूर्व चीफ जस्टिस हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या कहा है, क्योंकि आप जानते हैं कल एक फैसला आ गया है और इस फैसले में क्या सामने बात उभर कर आई है कि अब सुओ मोटो नोटिस लेने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट प्रवासी मजदूरों के ऊपर। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं अलग अलग लोगों ने क्या कहा है। पूर्व सुप्रीम कोर्ट जजेस जस्टिस मदन बी लोकुर और वी गोपाल अगौड़ा ने सुप्रीम कोर्ट के रवैये की तुलना आपातकाल में जो सुप्रीम कोर्ट का रवैया था उससे उन्होंने कर डाला है, जबकि इस वक्त आपातकाल भी नहीं है। जस्टिस एपी शाह ने क्या कहा है और कैलाश गंभीर ने क्या कहा है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की कड़ी आलोचना की है कि वो अपने जिम्मेदारियों से बच रहा है। एडवोकेट दुष्यंत दवे ने कहा, जजेस के नॉट सिट इन आइवरी टावर एंड बी ब्लाइंड फोल्डेड टू द मिजरीज ऑफ द सिटीजंस ऑफ इंडिया, दिस इज नॉट एन इमरजेंसी, द फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सस्पेंडेड, येट द जुडिशरी हैज सस्पेंडेड द इफेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यानी कि इस वक्त आपातकाल नहीं है, बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट को आम इंसान के बुनियादी अधिकारों की परवाह तक नहीं है। ये कोई और नहीं, हमारे जाने माने कानूनविद कह रहे हैं। आखिर क्यों? रेल मंत्री का रवैया पूरी तरह से उदासीन है, आपराधिक उदासीनता है।
सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से इस मुद्दे पर खामोश है। अब जाकर वो नींद से जागा है। वाकई बहुत ही दुखद स्थिति है। मैं आपको बता दूं कि बोल के लब आजाद है तेरे में, मैं इसी तरह से आपके सामने मुद्दे लाते रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। हमारे कार्यक्रम को न सिर्फ लाइक और शेयर करें बल्कि हमारे चैनल न्यूज क्लिक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। नमस्कार।